उससे पूछ रहे हो तो जानता है मुसलमानों ने न कुरान की सुनी न आयु की सुनी। कुरान में क्या ये हम रसूमात अदा कर रहे हैं कैसे कुरान में मौजूद नहीं, ये कहना कि कुरान में नहीं मान रहा, कुरान को इनकम्प्लीट मानना। जबकि कुरान ये कह रहा है वला रहतुम वरा या बसल्ला फी किताब मुबीन, हर खुश्क तर कुरान करीम में मौजूद है। जब हर खुश्क तर कुरान में मौजूद है तो अदा भी कुरान में मौजूद है। करो कुरान है क्या, पहले तो यह समझो कुरान एक लॉ की किताब है, कानून की किताब। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो किताबें चलती है एक CPC है एक CRPC है, एक का ताल्लुक जो है वो सिविल से है और एक का ताल्लुक जो है वो फौजदारी से है। इन दो किताबें नौ पढ़ी कठिन वकील साहब का जो पूरा चैम्बर में किताबों का अंबार लगा हुआ है, ये क्या है? मैंने कहा कानून की किताबें नहीं है, ये केसेस की किताबें है कि कौन सा केस किस केस में कौन सा कानून लागू होगा, ये है वो वकील साहब के जो किताबें हैं। अब समझे तो कुरान जो है वह कानून की किताब। अब हमारी अदादारी का मसला जो है उसमें कौन सा कानून लगे होगा ये हमें देखना है। सलावत बजे मोहम्मद ये जो मकाम मजलिस चुनना ये सब कुरान में भी है क्यों? हम हज ही करो उसी में समझ में आ जाएगा, इसी चीजें तो वही मिल जाएंगी। अगर कुरान ने सभाओं पर वाक्य नहीं कहा यहाँ दौड़ो और सारे मुसलमान आजी साहब दौड़ते हैं कंधे उठा जो दौड़ रहे पूरे दौड़ तो हाजरा दौड़ेंगे हम दौड़ी होंगे कहने भाई कैसी बातें कर रहे हो। अरे शायर अल्लाह है, अल्लाह की निशानी ताजीम न करे सही न करे तो हज सही नहीं। तो मालूम ये हुआ कि अगर किसी अजीम शख्सियत की तरफ कोई शय मंसूब हो जाए और उसकी ताजीम न किया जाए की जाए तो जो भगवान तो कहाँ रह जाएगा गुरु। ताजीम अगर न करिए आप वहाँ सभा मरवा का कुरान में दिख रहे तो हज न रहेगा। तो जाहिर है कि अजीम शख्सियत की तरफ मंसूब है ये रोजे ये सब, अगर उसकी तरफ हम उसकी ताजीम न कर रहे ये भी शायर अल्लाह। सलावत पे जो मोहम्मद अल्लाह बाबू मजनू में कर रहा इमाम हुसैन सलाम पर सलाम पर मातम कर रहा ताजिया ये है क्या, उसको हम समझे। क्योंकि अगर हम इसको ये समझे कि इमाम हुसैन है तो आप उससे दूर नहीं जाते जाते ना, हम इस ताजियों को इमाम हुसैन कहते हैं ना हम ये कहते हैं कि इसमें इमाम हुसैन है बदला, तो ये है क्या? ये वैसे ही है कि जैसे काबा है और हर मुसलमान को काबे में जाकर नमाज पढ़ना चाहिए, इनका कैसे रोजाना जा सकते हैं तो काबा तक रोज जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। हमने मस्जिद बनाई उसका रुख काबे की तरफ है, मंसूब उधर कर दी तो काबिले एहतराम हुई क्यों? यही तो मसला है, मस्जिद नबवी काबे की तरफ है, सारे मुसलमान जाते हैं कि नहीं, ताजीम करते हैं कि नहीं, मुरक्का काबे का है उसकी ताजीम करते हैं कि नहीं, का जो का काबा है उसका फोटो बनाना
ये बताइए 73 फिरकों में बिल्डिंग का नक्शा बनाना कहाँ हराम है? ये ताजिया जो है करबला की बिल्डिंग का नक्शा है, जैसे आप मस्जिद की ताजीम करते हैं वैसे हम ताजिये की कर रहे हैं। قرآن ہو ورنہ تو آپ نے سیرت رسول بھی ایسی پیش کرنی کہ और समय कमा मैं करने की कोशिश करता हूँ करे ताजिया या नाम के मतलब वो पाया कहते जैसे कहे ना इस्लाम क्या है अबू हनीफा को पढ़ लो तुम बच्चो अबू हनीफा ने क्या कहा है फतवा है अबू हनीफा का वो कहता है कि अगर मेरा फतवा मिले और हदीस रसूल मिले और हदीस जो है वो मेरे फतवे के खिलाफ हो तो मेरा फतवा न मानना हदीस को मान लेना तमाम नफियों पे तो अकल आ जाए फिर सलावत पे जब तो हदीस के लिए कह रहे हैं हदीस अगर टकरा जाए मेरे फतवे से तो हदीस को मानना मेरे फतवे को न मानना हम तो कुरान से जो टकराते चले जा रहे हैं हम उसको कबूल किए चले जा रहे हैं फिर सलावत सलाम किया माता ने मैंने कौन नहीं रोया तो आदम से लेके खातमुन नबीयीन तक सब ने अल्लाह ने किए हुसैन को आजमा है आदम जा रहे हैं ठोकर लगी अंगूठा फट गया खून मैंने सुबह इस तरह भी कह दी परवर निगार واقعات کربلا بیان کیے سامعین کون آدم غور کرو آدم کی اولاد ہو انسان بنو وہ انسان ہے جو ادا ہے اسے نہیں کرے تو جانور تو بدتر ہے انسان آواز بیٹھا رسول اسلام کی جو ہم مجھے سے کر رہے ہیں یہ سیرت میں ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی رسول اللہ نے ام سلمہ سے کلام میرے یہاں سے بولنے کو ام سلمہ نے کہا میں کو سن دیا ہم لوگ بند پڑ گئے کیا کہیں گے تو کیا پڑھتے بات وہ پڑھتے تھا روز ملیا उसको ला रहे हैं खुश हो रहे हैं और करो अल्लाह क्या कह रहा है कयामत तक कोई चीज छोड़ी नहीं है अल्लाह ने ना उसने दुश्मना ने अहले बैत को दुनिया में छोड़ा है ना आखरत में छोड़ेगा वहां भी कहेगा मैं उस सलावत भेजा हूँ نوازر کو بعد میں لیے ہوئے خوش ہونے نہ جبریل کو بھیج دیا کائر کے لیے خوش ہو رہے تھے خوش ہونے دیتے آج تو کم سے کم خوش ہونے دیتے نہ اسی 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 وقت جبریل امین تشریف لائے پیغمبر تو حضور پروردگار عالم یہ بچوں کو بھی آپ خوش ہو رہے کربلا کے مل میں تین دن کا بھوکا پورا واقعہ کربلا میں وہ رسول وہ مسرور تھے وہ رسول جو خوش ہو رہے تھے نواز سے تو ایوارڈ ہو گئے گریہ گاری کر رہے تھے پھر مسلمانوں یہ ہے سیرت رسول کہ پہلے حسین کی فضیلتیں اور اس کے بعد مسائل حسین دوسرے جو تو جیسے ہیں
कौन कौन मुसीबतों का सामना आपका होता है राणा ने मजलूम कर बना पूरा साल भर से नाना भरता है वो रहने हरम शाम पहुंचे राणा ने मजलूम कर बना ये चेहरों जनाब जैनब ने कैदखाने में चेहरों हुआ है अरे जैनब कंचे हम न कर सकी अपने भैया का अजादारा न मजलूम में कर बना हमारे यहाँ चेहरुम तो होता है मगर उसके बाद दूसरा साल देसा होता है साल चेहरुम नहीं होता इसलिए कि हमने चेहरुम कर लिया आए सैयद गलाल अरे किसका चेहरुम न हो सका अजादारा न कासिम न अब्बास का चेहरुम हो सका हम सबसे आया ने दर करार चेहरुम कर रहे हैं अदारों साल भर के बाद अरे लुटावा काफिला पहुंचा अरे जब खबरें जनाब इमाम हुसैन अलैहि सलाम को पहुंचे हैं सैयदुल साजदीन तो पहला कब्र के ऊपर जाहिर कौन था जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी मुतजी फरमाते हैं एक मर्तबा जो इमाम फरमाते हैं कि जाबिर मेरे बाबा की कब्र को छोड़ दो इसलिए कि सैदानियां आ रही हैं अरे मैं कहूंगा एक वक्त वो था एक वक्त ये है कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जो साहबी है अरे नहीं जा के वो तक कहते हैं Say.